नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एज इन्फॉर्मर में। और आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज बताने जा रहा हूँ आपको। जी हाँ दोस्तों, इंडिया एक तरह से इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसरो भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसने आज मतलब 15 फरवरी को 104 सेटेलाइट को एक साथ लॉन्च कर दिया है, जिसमें जो सेटेलाइट है USA का भी है, इसराइल का भी है, कजाकिस्तान का भी है, नीदरलैंड्स का भी है, स्विट्जरलैंड्स का भी है और UAE का भी है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम रखा गया है PSLV-C37 और इसमें बहुत सारे सेटेलाइट्स है, बहुत सारे मतलब कंट्री का है। और मैं आपको इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत साल पहले अप्रॉक्स 1995 के नियर अबाउट 40 सेटेलाइट को भेजा गया था, जिसमें से जो जिस टारगेट के लिए भेजा गया था वो सक्सेस नहीं हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि इतना सेटेलाइट इंडिया ने एक तरह से रिकॉर्ड बना दिया है। इसरो बहुत अच्छे वर्क भी कर रहा है, इंडिया का नाम वर्ल्ड लेवल पे आते जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि जितने भी सेटेलाइट गया है ये सेटेलाइट कितना सक्सेसफुल होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो समझिए कि बहुत 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 आगे इंडिया चला जाएगा और लगभग लगभग मतलब रिसर्च फील्ड में हम लोग का नाम ऐसे तो है ही, बहुत अच्छी है, अच्छा रिपुटेशन भी है वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन और अच्छी तरह से हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये न्यूज़ सुन के आपको बहुत खुशी मिली होगी और आपको लग रहा होगा कि हाँ, इंडिया में भी कुछ है, साइंटिस्ट सब ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे चीज़ बना सकते हैं लॉन्च। ठीक है, मानता हूँ कि सेटेलाइट अदर कंट्री का है, लेकिन वो लॉन्च एक साथ नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारा रीज़न था, क्योंकि उसमें बहुत सारा खर्चा भी होता है। ये चीज़ इंडिया ने कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन लाइक कीजिएगा, कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन फ्री है, फायदा ये रहे कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।